भारतीय जनता पार्टी राजस्थान किसान मोर्चा के कार्य समिति सदस्य प्रसून चंद शुक्ला ने कृषि कार्यालय में विगत दो वर्षों से बंद पड़ी मृदा जांच प्रयोगशाला को चालू करवाने की मांग की है। उक्त मांग को लेकर शुक्ला ने मंगलवार को किसान मोर्चा के सदस्यों के साथ राज्य के सीएम के नाम एक ज्ञापन दिया। उपखंड अधिकारी राहुल जैन के मार्फत दिए गए ज्ञापन में शुक्ला ने बताया कि शहर के अजमेर रोड स्थित कृषि कार्यालय परिसर में मिट्टी जांच प्रयोगशाला करीब दो सालों से बंद पड़ी है, जिसके कारण आसपास के किसानों को अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। शुक्ला ने बताया कि ब्यावर में स्थित प्रयोगशाला के बंद होने के कारण किसानों को अजमेर जाना पड़ रहा है, जहां पर कई चक्कर काटने के बाद भी 10-12 दिनों में जांच रिपोर्ट मिलती है, जिसके कारण अधिकांश किसान बिना मिट्टी जांच के ही फसल की बुआई कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप किसान को अच्छी फसल नहीं मिल पाती है। शुक्ला ने बताया कि लगभग 105 पंचायतों के 1,29,000 काश्तकारों ने कृषि विभाग की ओर से मृदा हेल्थ कार्ड दिए गए हैं, लेकिन प्रयोगशाला के बंद होने के कारण कार्ड की उपयोगिता नहीं हो पा रही है। कार्य समिति सदस्य शुक्ला ने संयम से शीघ्र ही बंद पड़ी प्रयोगशाला को चालू करवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में लाडो सिंह, डगला राम, राम सिंह, प्रवीण कुमार, रफीक काठात, हरी सिंह, फिरोज खान, रमेश चंद तथा सलमान आदि शामिल थे। आज हम सब किसान एजेंट साहब के विज्ञापन, जैसे जमीन की मिट्टी की जांच वगैरह करवाने के लिए यहाँ पे विज्ञापन दिया है एजेंट साहब को, जो एजेंट साहब हमारी प्रार्थना सुन ली और इसी मार्च अप्रैल के अंदर तैयार हो जाएगा ऑफिस। बंद रहता, दो साल से बंद पड़ा ऑफिस, और किसानों को मालूम पड़ जाए ये जमीन में ये कमी है तो कोई चीज की तो वो कोई भी बाड़ी लगा सकता है। गोभी लगाओ, टमाटर लगाओ, गेहूं लगाओ, और पहले जिस्म के कट्टे मिलते थे, आजकल जिस्म के कट्टे व्यवहार में नहीं आ रहे हैं। तो जैसे जमीन में कोई भी परेशानी है तो ये जांच के ऊपर हमारे बता दे, नाइट्रोजन कमी है, हाइड्रोन पोटेशियम जो भी कमी है, जो सब ये प्रयोगशाला से ही मालूम पड़ेगी। आज ब्यावर और आसपास के मगरा क्षेत्र के सारे किसानों ने ब्यावर में बंद पड़ी मृदा प्रयोगशाला के विषय में एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। ये प्रयोगशाला पिछले दो सालों से बंद चल रही है। आसपास क्षेत्र के किसान बहुत ही ज्यादा मात्रा में परेशान है, क्योंकि उनकी मिट्टी की जांच ही नहीं हो पाती है। जांच के पश्चात ही उनको पता चलता है कि इसमें कौन सी फसल की बुआई करनी है और उर्वरक की कितनी मात्रा मिलानी है। इस परिस्थिति से निपटने के लिए किसान अजमेर भेजता है। अजमेर से आने में जांच 5 से 10 दिन 15 दिन का समय लग जाता है। कृषक परेशान रहता है अजमेर के चक्कर काट काट कर। तो प्रशासन से यही निवेदन है कि शीघ्र से शीघ्र मृदा परीक्षण प्रयोगशाला ब्यावर चालू की जा सके। किसानों के हित का है, ब्यावर के आसपास के क्षेत्र का मूल रीढ़ रज्जु व्यापार किसानी है, क्योंकि चारों तरफ मगरा क्षेत्र ही है और मगरा क्षेत्र के सारे निवासी मूलतया किसानी पे ही डिपेंड है। तो जितनी जल्दी जो हमारी केंद्र सरकार की योजना थी मृदा परीक्षण प्रयोगशाला चालू रहे, इनसे सॉयल कार्ड मिले, किसानों के हित के काम हो, इनको चालू कराने के लिए माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और उम्मीद करता हूं कि शीघ्र से शीघ्र ब्यावर की मृदा प्रयोगशाला चालू हो जाएगी।